एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, क्या उस पर्सन को आपसे ट्रू लव है या नहीं, तो ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं? डू दे एक्चुअली लव यू? वाओ, लुक एट दैट, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो दैट्स अ बिग बिग यस ऑलरेडी। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्यार डेफिनेटली म्यूचुअल है, इक्वालिटी है आपके रिलेशनशिप में, दोनों के एंड से सेम फीलिंग्स हैं, सेम इमोशंस हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लिव इन द मोमेंट करो इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए, तो आपको लगेगा कि आप एक परफेक्ट पार्टनर के साथ हो, सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के दरमियान में। लेकिन अगर आप फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचोगे ज़्यादा, तो चांसेस हैं कि कुछ ख़राब हो सके। लेकिन एज ऑफ नाउ पहले कार्ड के साथ, यस दे लव यू अ लॉट। लेट्स सी, एस ऑफ कप्स, देयर यू गो। डेफिनेटली ये मेकअप नहीं कर रही हूँ मैं, आपके सामने कार्ड शफल हो रहे हैं, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ट्रू इंटेंशंस हैं। जो भी आप में से ये रीडिंग देख रहे हो, लकी हो आप। इवन दो ये पिक अ कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, तो दिस इज़ अ ह्यूज साइन कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स हैं, स्ट्रांग इमोशंस हैं। बहुत ज़्यादा चाहता है आपका पर्सन आपको, और बहुत ज़्यादा यू नो इस कनेक्शन को लेकर खुश है, हैप्पी है, फुलफिल है। उसको लगता है कि जो आपके साथ उसकी जर्नी है, ये बहुत ब्यूटिफुल है, और वो इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है, कंटिन्यू रखना चाहता है। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप जो इस इंसान को देते हो, वो मैचलेस है इस इंसान के लिए। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगेन, जैसे मैंने मेंशन की, अभी मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुकी हूं, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट आया है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको चाहते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सम हाउ आप या आपके पर्सन फोकस ऑन द लॉस हैं। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। रिलेशनशिप सीम्स लाइक परफेक्ट, लेकिन उसमें क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही है। चाहे वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, चाहे वो एक दूसरे को टाइम कम दे पाते हो आप दोनों आजकल, जो भी एक सिचुएशन है जो कि आपको नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सकता है कि वो ज़्यादा आपकी एक मैं आपको बात करूंगी। देखो, फॉर इंस्टेंस, आपकी पर्सन से बात नहीं हुई, एक दिन नहीं बात हुई, दो दिन नहीं बात हुई, लेकिन जो आपका इतना टाइम का साथ है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं हो। आप इस टाइम के ऊपर फोकस्ड हो कि अभी दो दिन से पर्सन ने सही बात नहीं की, तो आपके माइंड में वो जो अनवेलकम चेंजेस हैं इस कनेक्शन में जो हुए हैं रिसेंट टाइम से, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो, जिसकी वजह से आपको डाउट आता है, फियर आता है कि शायद पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है, पर्सन ने अपना प्यार खो दिया है मेरे लिए। सो ऐसा नहीं है। अगर आप अपना फोकस ही नेगेटिव चीज़ों पर रखोगे, तो नेगेटिविटी एक्सपैंड होगी आपकी लाइफ में। ये मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एक टूल है। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अपनाना शुरू कर दो, तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो सकती है। जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, वो आपकी ज़िंदगी में एक्सपैंड होगी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप एक गेम देख लो, आप कोई गेम खेलना शुरू कर दो, आपकी ज़िंदगी में उसी तरह की सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी। अगर आप एक आपके ख्वाब में, आपकी रियलिटी में आपको वो चीज़ें बार बार दिखेंगी। सो कहीं ना कहीं what you focus on expands in your life. अगर आप एक आर्मी से रिलेटेड ड्रामा देखना शुरू करो, तो आपको आसपास आर्मी देखना शुरू हो जाएगी। अगर आप लव ट्राइंगल का ड्रामा देखना शुरू करो, आपको आसपास लव ट्राइंगल्स देखना शुरू हो जाएंगे। अगर आप हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करो, आपको वो देखना शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंट वेमेन के ऊपर फोकस करो, वो देखना शुरू हो जाएंगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप किसी एक बॉल्ड इंसान को देख दो और उसके बाद आप उसी के ऊपर फोकस करो, आपको बार बार वही देखना शुरू हो जाएंगे, जबकि अदरवाइज शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि इतने लोग होते हैं जिनके सर पर बाल नहीं है। सो वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपांस इन योर लाइफ। तो अगर आप करंट सिचुएशन में भी रहते हुए अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को, जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस रखोगे, तो अच्छे मोमेंट्स और अट्रैक्ट करोगे। कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है पर्सन से, या हो सकती है वो इस वजह से क्योंकि आप फ्यूचर और पास्ट में स्टक होगे। लिव इन द मोमेंट करते हुए आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। आपको पता होगा कि योर पर्सन लव्स यू, लेकिन जब आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी चेंज को
एक स्ट्रेसफुल माइंड के साथ एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, आपके माइंड में डाउट और फियर ही आएंगे, एंड दैट प्रॉबली इज द रीजन जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो कि क्या वो आपको प्यार करते भी हैं या नहीं. सो डेफिनेटली दे लव यू, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स हैं यहाँ पर, और उनका रीजन जो है इट्स नॉट कि दिस पर्सन डजन लव यू, इट्स मोर अबाउट कि आपको कहीं कहीं लगता है कि पर्सन उतना पैशनेट नहीं रहा या उतना पैशनेट नहीं हो रहा है जितना आप चाहते हो, वो इतना चार्ज नहीं ले रहा है रिलेशनशिप में जितना आप चाहते हो कि वो एनर्जेटिकली इस कनेक्शन को आगे लेकर चले. तो जहाँ पर आपको थोड़ा पॉज आया है, जहाँ पे थोड़ा आपको एक स्टैग्नेशन फील हो रही है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, मे बी दे डोंट लव मी, तो ऐसा नहीं है. ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं. कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो. एक और चीज़ अनरिंग द डेक है एम्परर का कार्ड. एम्परर का कार्ड जब आपका आता है तो आप अपने पर्सन के ऊपर रिलाई कर सकते हो. ये पर्सन डिपेंडेबल है, ये पर्सन अथॉरिटेटिव है, ये पर्सन वो है जो स्ट्रक्चर लेकर आता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में. तो इस पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? लेकिन अगर आपके डाउट्स माइंड सेट में इतने ज़्यादा सॉलिड हो जाएँ और आपके इतने डोमिनेंट हो जाएँ आपके एक्शंस में, रिएक्शंस में, तो आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है इन अ बैड वे. ट्राई करो कि अपने आप को काम करो और पॉजिटिव रहो, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हुआ करो, इस तरह की सिचुएशंस को नहीं सोचो जो कि आप डिज़ायर नहीं करते हो अपने रिलेशनशिप में. और उन्हीं चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस रखना शुरू कर दो तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में और इश्यूज आ सकते हैं. लेट्स सी और क्या जानने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में जो आपका आपके पर्सन के साथ है. इवन वेन यू फील लॉस्ट देर इज ऑलवेज वे थ्रू द लेबरेंथ. नाउ अगैन आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको लगता है कि करंट सिचुएशन जो है कुछ ऐसे ही है, भूलभुलैया स्टाइल की है, एंड उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा आगे. कोशिश करो कि अपना फेथ जो है उसको स्ट्रांग रखो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी. गिव अप नहीं करना है. बाउंड्रीज, हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज इम्पॉर्टेंट. अपने थॉट प्रोसेस की बाउंड्रीज अगर आप सेट कर सको तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर आपकी लव लाइफ की रिलेशनशिप सिनेरियो में कुछ भी नहीं हो सकता है. आप दोनों के दरमियान में डिवाइन काउंटर पार्ट, अट्रैक्शन, ट्रांसेंस, सुपरफिशियलिटी, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आप दोनों के दरमियान में जो एक अट्रैक्शन है दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और मुझे लगता है कि ये आपको आपकी जो बाकी इशूज हैं वो काफ़ी सुपरफिशियल आपको लगेंगे अगर आप इस कनेक्शन की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सको, अगर आप इसकी एक्चुअल जो एसेंस है इस रिलेशनशिप का उसको अंडरस्टैंड कर सको, उसको पिक कर सको, तो आपको रियलाइज होगा कि बाकी सारी चीज़ें फेक हैं, बाकी सारी चीज़ें इस कनेक्शन के आगे, इस प्यार के आगे फेक हैं. सो कोशिश करो कि उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करो बजाय इसके कि फ्यूचर और पास्ट का सोच के अपसेट हो. अंडरनीथ द डेक कार्ड है 11-11 का. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग 11-11 नंबर बहुत देख रहे हो और साथ में आपको ये रीडिंग भी सामने शो अप हो गई, तो इट्स अ ह्यूज साइन कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है. आपके डाउट अगर है तो उसको निकाल दो. 11-11 इज एन इंपॉर्टेंट नंबर फॉर ट्विन फ्लेम्स. इट सिंबलाइजेस द हार्मनी एंड बैलेंस ऑफ सोल काउंटर पार्ट्स. सो आप में से कुछ लोग अगर आप वरिड हो, अगर आप 11-11 देख रहे हो, तो आई थिंक कि आपका यही रिलेशनशिप जिसमें आपको अपसेट हो रहे हो, जिसमें आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस वापस आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. सो ये थ्री रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई यू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.